जंग का अंत कब? ये सबसे बड़ा सवाल ऐसे समय में बना हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा है जंग का अंत कब, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। रूस और यूक्रेन पर बातचीत करेंगे, कुछ भयावह तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे और बारीकी से वो विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये युद्ध अब कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहा है और आगे आने वाले समय में और कौन सी भयानक तस्वीर दुनिया के अंदर देखने को मिल सकती है। तमाम बातचीत आज हम करेंगे मुद्दे की बात में, क्योंकि सवाल यही है कि जंग का अंत कब। लेकिन शुरुआत ताजा जानकारी के साथ करेंगे कि बड़ी खबरों से लगातार बैक टू बैक हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध जारी है तो तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू सबसे पहले मुद्दे की बात में करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच आज भी जंग लगातार जारी है और जानकारी आपको दे दें 27वां दिन हो चुका है यूक्रेन पर रूसी हमले का। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि कीव से ओडिशा तक हमले तेज हो गए हैं। यह खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेनी लोगों पर रूसी सेना की गोलीबारी देखने को लगातार मिल रही है और जानकारी इस वक्त की बड़ी हम आपको दे रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच आज भी जंग जारी है, 27वां दिन हो चुका है और 27वें दिन भी यूक्रेन की जमीन पर गोले बरस रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, बातचीत हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। फिलहाल एक तस्वीर आई है वो आपको दिखा देते हैं, खारसेन की ये तस्वीरें हैं। जब आप खासतौर पर इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे कि लोगों का हुजूम है और उस बीच किस तरीके से गोलीबारी होती है, बम बरसते हैं और लोग कितने मुश्किल में पड़ जाते हैं। खारसेन की वीडियो ताजा वीडियो है और हम आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। आप खास तौर पर देख रहे होंगे कि लोग यहां पर खड़े हैं लेकिन अचानक से गोलीबारी होती है, अचानक से बमबारी होती है और लोग बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और ऐसा नजारा सिर्फ ये पहली बार नहीं है, खारसेन के अंदर, मारियुपोल के अंदर, कीव के अंदर और कई इलाकों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यानी स्थिति आप खासतौर पर समझ सकते हैं जब ये तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ वाला इलाका यहां पर लोग एकत्रित होते हैं, फिलहाल किस तरीके से ऊपर से बमबारी होती है, गोलीबारी होती है और लोग अपनी जान बचाते हैं, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। यह ऐसा मंजर पहली बार नहीं है, लगातार 27 दिनों से ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। फिलहाल खैरसेन की ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा ही अगर बात करें मारियुपोल के अंदर है, क्योंकि पूरा मारियुपोल तबाह हो चुका है, अच्छा खासा मारियुपोल, खैरसेन। और अगर बात करें कीव की तो कीव की तबाही की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहेंगे लेकिन कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे आपकी फटाफट से मुलाकात कराएंगे और वही आपको बता पाएंगे कि आखिर सच क्या है। फिलहाल कमांडर भूषण दीवान साहब आपको दिख रहे हैं। भूषण दीवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जेके 24/7 न्यूज पर एक बार फिर आने के लिए, अपना समय देने के लिए। सोढ़ी साहब लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, सोढ़ी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जो आप अपना समय देते हैं। सबसे पहले भूषण दीवान साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जो ताजा वीडियो सामने आ रही है अभी तो सर ऐसी चौंकाने वाली खबरें भी आ रही है जो हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन किस तरीके की स्थिति अब आप आगे आने वाले दिनों के लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है और ये युद्ध किस और मोड लेकर जाएगा, ये यू कहें कि कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा। भूषण साहब, मेरी समझ में स्थिति जो है विश्व के लिए भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रही है। कारण क्या है, जितना लंबा खींचता जा रहा है युद्ध, ये और कई कंट्रीज में जुड़ती जा रही हैं, नंबर वन, और इसमें फिक्स पोजीशन लेती जा रही है, नंबर टू। अगर आप इतिहास देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यही होता है, शुरू वो धीरे धीरे होता है पर जब दो बड़ी क्लियर कट साइड आ जाती हैं और दोनों मजबूत साइड आ जाती हैं बीच में, उनके फिक्स इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो ये कोई भयावह रूप भी ले सकता है। और क्या होता है, जो न्यूक्लियर बटन है वो तो ओल्ड लोगों के पास, रूलर्स के पास, लाइक पुटिन, लाइक बाइडेन, इनके पास है, कि पर्सनल ईगो के चक्कर में न्यूक्लियर भी हो सकता है। और उसमें क्या है, क्योंकि इतना दाव पे लगा दिया है रूस ने, 27वां दिन हो गया है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जितना चाहते हैं, तो ये झटके में चीज बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और चीन अपना कुछ खेल खेल रहा है तो ये जल्दी खत्म होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूं। ये बात कहना ठीक नहीं लगता है, पर चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल से चाहे किसी भी तरीके से, जल्दी से मुकाम ये आर या पार में खत्म हो, न्यूक्लियर नहीं, आर या पार खत्म हो, रुक जाए,
हालांकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नेटो में नहीं जाऊंगा, बात मानने को तैयार हूं, पर सीज फायर होना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ पेस सेविंग, कुछ ना कुछ गेन रूस को भी मिले और कुछ ना कुछ यूक्रेन को भी मिले ताकि लड़ाई रुक जाए, नहीं तो स्थिति भयावह होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सोढ़ी साहब, जिस तरीके से भूषण दीवान साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे रुकना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि रशिया जो आक्रामक नीति अपना रहा है, क्योंकि अब ये लगभग लगभग लग रहा है कि फाइनल अब होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तेवर नरम हम देख रहे हैं दोनों देशों के, लेकिन जो रूस की तरफ से अब और आक्रामक स्थिति देखने को मिल रही है यूक्रेन के अंदर, क्या लगता है आपको, क्या एक हफ्ता और या आगे आने वाले समय में और भी हम तस्वीर देखेंगे कि नहीं ये तो लंबा चलेगा और भी? जय हिंद हर्ष जी। हर्ष जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। ये युद्ध का अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध किस तरफ जा रहा है। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने देखा कि जापान उन पे हावी हो रहा है, तो उन्होंने जापान में दो एटम बम गिराए, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ये भी उसी तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि ना तो पुतिन पीछे हटने को तैयार है और ना ज़ेलेंस्की मानने को तैयार है कि जी मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं मैं नाटो में नहीं जाऊंगा। हर्ष जी, किसी भी लड़ाई में, किसी भी जंग में सिर्फ दो लोगों को, दो कैटेगरी के लोगों को सबसे क्षति पहुंचती है, एक जो उसमें सेना के जवान लड़ते हैं और दूसरा आम नागरिक। हम यूक्रेन में भी यही देख रहे हैं, या सेना का जवान मर रहा है या यूक्रेन का आम नागरिक मर रहा है। अभी इतनी हानि और क्षति पहुंच चुकी है वहां पे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अभी भी लिख के देने को तैयार नहीं है कि मैं नाटो नहीं ज्वाइन करूंगा। अगर वो आज लिख के दे दें कि मैं नाटो नहीं ज्वाइन करूंगा, ये युद्ध कुछ क्षणों के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन ना ज़ेलेंस्की चाहते हैं जिससे ये लड़ाई खत्म हो, ना अमरीका चाहता है। देखिए, अमरीका को बहुत फायदा है जितना ये लड़ाई लंबी चलती है, जितनी ये लड़ाई लंबी चलती है उतना रशिया आर्थिक तरीके से कमजोर होता है, और जितना रशिया आर्थिक तरीके से कमजोर होगा उतना अमेरिका और शक्तिशाली होगा। जो अमेरिका का सपना है कि इस पूरी दुनिया में एकमात्र सुपर पावर रहने का, वो सपना उनको यूक्रेन के थ्रू साकार होते हुए दिख रहा है। तो ये लड़ाई में बहुत क्षति पहुंच चुकी है और अब वक्त है पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के लीडर्स का कि वो आगे आए और इस लड़ाई को किसी तरह खत्म कराएं। नहीं तो ये लड़ाई बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पे रूस कुछ भी कर सकता है, चाहे रासायनिक हथियार, चाहे परमाणु हथियार, कुछ भी कर सकता है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। ठीक है भूषण दीवान साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि अब जो अमेरिका का सपना है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, या फिर हम देखेंगे कि उस रास्ते पर एक कहते हैं ना कि जो जाम की स्थिति है वो बनाने की कोशिश रशिया या फिर चीन कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का सपना पूरा होते हुए दिख रहा है लेकिन उसे रोकना होगा। अमेरिका की जो रणनीति रही है वो यही रही है कि दुनिया में सबको दिखाइए कि हम सबसे सुपर पावर देश है, पावरफुल देश है, अगर आपको कुछ भी करना होगा तो परमिशन हमसे लेनी पड़ेगी। ये दरअसल दिखाने की कोशिश अमेरिका हमेशा से करता रहा है, सर इतिहास गवाह है। भूषण दीवान साहब, हर्ष जी ये ठीक बात है, पर मेरी समझ में मेरा आंकलन क्या है, 1991 के बाद, 1990 के बाद रूस जो है वो अमेरिका के लिए कोई कॉम्पिटिटर खास है नहीं। इकोनॉमिकली देखें नहीं है, मिलिट्री ठीक है, स्ट्रांग है, पर मिलिट्री हवा पे चलती नहीं है, इकोनॉमी के बगैर चल नहीं सकती। जी अभी मेन कॉम्पिटिटर जो 20 ट्रिलियन डॉलर जो जीडीपी यूएसए का है और चाइना का 15 ट्रिलियन डॉलर है, और पीपीपी से देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी से देखें, तो चीन का जीडीपी यूएसए से भी ज्यादा है। तो मतलब क्या है, और चीन खुद कई वेपन्स अपने प्रोड्यूस करता है, और ये भी डर था कि चीन अभी भी डर है, चीन खुद अपने वेपन्स रूस को सप्लाई करे यूक्रेन में लड़ाई के लिए, ये बात आ रही है। मतलब कहने का ये है मेरी समझ में, जी कई सालों से चीन जो है वो अमेरिका का मेन प्रतिद्वंदी है, रूस इतना है नहीं। और एक किस्म से मैं भी बताऊं आपको, रूस को कमजोर करने में, रूस को कमजोर करने से अमेरिका जो है वो चीन के साथ हल्का पड़ जाएगा। अगर दो गुट रूस को, रूस रहेगा तो चीन को कंट्रोल करने में आसानी हो सकती है। तो क्यों दोनों इकट्ठे मिल गए और मिल जाएंगे, क्यों जब रूस सस्ते में आ रहा है तो चीन रूस अगर मिल गए तो क्या होगा। हाँ, पर हाँ एक बात और है इसमें, चीन ये चीन उभर के आ रहा है, वो कहता है रूस को
लड़ाई मत करो, वो नंबर वन पावर, मतलब उस चीन की पोजीशन रूस के अमेरिका के मेन प्रतिद्वंदी के रूप में सामने। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सर मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को फटाफट से बता देते हैं क्योंकि बैक टू बैक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध पर सबकी नजरें बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाटो को लेकर बयान आया है, नाटो बताए हमें अपने साथ शामिल करेगा या फिर नहीं। जेलेंस्की साहब एक बार फिर कहते हैं कि नाटो रूस से डरता है। अभी जो सोडी साहब बताने की कोशिश कर रहे थे वही कहीं ना कहीं खबर हम आपको बता रहे हैं इससे जुड़ी हुई, कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाटो को लेकर एक बार फिर से बयान सामने आ गया है और कहते हैं कि नाटो बताए हमें अपने साथ शामिल करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि नाटो आखिर क्यों रूस से डरता है। ये बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है और जेलेंस्की साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि रूस नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो यूक्रेन, और जेलेंस्की साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नाटो के अंदर उपस्थिति जरूरी है, नाटो बताए कि हमें अपने साथ शामिल करेगा या फिर नहीं करेगा। ये जेलेंस्की साहब की तरफ से कहा गया है, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सोडी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप नाटो को लेकर बातचीत कर रहे थे एक बार फिर से वो उकसा रहे हैं रूस को कहीं ना कहीं, और हम देखेंगे कि लंबाई चलेगा क्योंकि बातों से तो ये साफ तौर पर लग रहा है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी लूंगा जो भूषण दीवान साहब से हम बातचीत कर रहे थे चीन को लेकर, कि चीन ने ये एजेंडा सेट कर दिया है कि 2050 तक सबसे सुपर पावर देश हमें बनना है। अब क्या अमेरिका को ये डर सता रहा है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी देखिए ना अभी से ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। भूषण दीवान साहब कह रहे हैं कि भैया इकोनॉमी सबसे बड़ी उसने बना ली है, और हम देख रहे हैं कि बजट भी वो सैनिकों को सबसे ज्यादा दे रहा है कि भैया हम अपने सैनिकों को सबसे प्रमुखता से आगे रखेंगे। तो क्या चीन से डर रहा है अमेरिका? इन दो सवालों के जवाब सर, नाटो को लेकर और चीन को लेकर। सोडी साहब जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका सीधा उत्तर है हाँ। हाँ इसलिए क्योंकि कोई भी सुपर पावर में दो खूबियां होनी चाहिए, एक आर्थिक तरीके से मजबूत और दूसरा सेना की तरफ से मजबूत। हमने देखा है अमेरिका रूस तो सुपर पावर है ही है, चीन हालांकि सुपर पावर की संख्या में नहीं आता है लेकिन उसकी आर्थिक और सेना की जो पावर है वो बहुत 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 मजबूत है, और इसी रीजन से अमेरिका को चीन से डर लग रहा है, क्योंकि चीन हर दिन हर साल अपनी आर्थिक हालत बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। आज की दुनिया में जिसके पास आर्थिक पावर है, सेना की पावर है, वो कई डिसीजन खुद ले सकता है। हमने देखा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, रूस से नाटो और अमेरिका क्यों डर रहा है? बार बार जेलेंस्की कह रहे हैं कि नाटो में मेरे को शामिल करो, नाटो अपनी सेना भेजो, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो, लेकिन नाटो और अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है? वो सिर्फ इसी कारण से नहीं कर रहा है क्योंकि रूस आर्थिक और फौजी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन में हमला बोला, उसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने एक टीवी एड्रेस में पूरे विश्व को बताया कि अगर किसी ने आके यूक्रेन की मदद की तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आपने अपने इतिहास में ऐसा सबक नहीं सीखा होगा। और पुतिन ने सिर्फ ये एक फिल्मी डायलॉग नहीं मारा, पुतिन ने 26 फरवरी को अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात कर दिया। 27 फरवरी को जितनी उनकी न्यूक्लियर सबमरीन थी वो आर्कटिक महासागर में निकल पड़ी। ये सब उसने दुनिया को दिखाया कि अगर किसी ने यूक्रेन की मदद की मैं तुम पे अपने न्यूक्लियर हथियार दाग दूंगा। और यही चीज को अगर हम चीन के ऊपर लें, टेम्पलेट पे लें, तो चीन भी उसी पड़चनों पर चल रहा है। चीन ने अपनी आर्थिक हालत बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है क्योंकि पूरी दुनिया का आज वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, दुनिया की तकरीबन हर चीज चीन में बनती है, और दूसरा चीन ने अपनी सेना को मजबूत किया हुआ है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अब रूस को अब अमेरिका को चीन से भी उतना ही खतरा है जितना उसको रूस से खतरा है। ठीक है भूषण दीवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर हम बात करें किसी के लिए बहुत जरूरी होता है कि पानी में, जमीन पर और आसमान पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। अब हम चीन को देख रहे हैं कि चालाकी उसकी लगातार जारी रहती है, हिंद महासागर के अंदर आप देखिए और बॉर्डर एरिया पर आप देखिए,
और विमानों के जरिए आप देखिए, लेकिन क्या वाकई अब ये सोचने की जरूरत है आगे आने वाले समय में कि अपने अपने देशों को खुद मजबूत करना होगा, क्योंकि सिचुएशन सुपर पावर देशों की हम देख रहे हैं कि आपस में सुपर पावर देश भिड़ रहे हैं, और ये नहीं है अक्सर कि उन दोनों देशों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा हो, पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए उससे पहले ही हमें अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति आए तो इतना फर्क ना पड़े जितना हम देख रहे हैं कि दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, तो इकोनॉमिकली साइबर और किस तरीके से हमें फर्क पड़ रहा है तमाम देशों को। भूषण दीवान साहब, बेशक हर्ष जी, मैं शायद पहले भी आपसे शेयर किया है, संस्कृत में कहते हैं या हाफ संस्कृत में कहते हैं विद्या कंठम, विद्या वो कान की जो आपके पास गले में है जी, पैसा अंतम, पैसा वो जो आपकी जेब में है, मैं दम वही काम आता है जो आपके बाजू में है, खरीदा हुआ पड़ोसी का दम कभी काम आएगा नहीं, तो शक ही नहीं है। पर ये भी समझे, हम चीन और इंडिया को उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फॉरवर्ड एरिया के बेसिस हो, साइबर वॉर हो, सबमरीन्स हो और मिसाइल्स हो, रॉकेट सिस्टम्स हो, हर चीज को उतना पहुंचने के लिए समय जाएगा, तो सब हम काफी कम है, हमें आकलन मानना, हमारे फौजी स्पिरिट बहुत हाई है, ट्रेनिंग बहुत हाई है, पर मैकेनिकल तौर पे इतना हमारा लेवल नहीं है। चीज दूसरी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बात जो नेटो की आ रही है, नेटो का देखिए रू अमेरिका कहां बैठा है, अगर न्यूक्लियर बम हुआ अमेरिका को कुछ नहीं होगा, यूरोपियन देश मारे जाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां हुआ, यूरोप में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहां हुआ, यूरोप में हुआ, जापान पे भी पड़ा अलाइड पावर्स एक्सल पावर्स, तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो यूरोप तबाह हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूं जब तक यूरोपियन नेटो के अंदर यूरोपियंस का वर्चस्व रहेगा, बड़ी ये बेवकूफी कभी नहीं करेंगे क्या कि ज़ेलेंस्की को अप्रूवल दे दें नेटो में आ जाओ, जिस दिन ये कर दिया तो उनको लाजमी है यूक्रेन को बचाना, रूस से बचाना, इसका मतलब युद्ध में कूद गए, इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर की गेट खुल गया। 25 तारीख को बाइडेन साहब पोलैंड जा रहे हैं, अब वहां बैठे हैं, अब मतलब दाने के साथ खून भी पीस रहा है, कहते हैं एलिफेंट मेक लव और एलिफेंट मेक वॉर, ग्रास इज पॉइंट एलिफेंट, ये रूस अमेरिका लड़ रहे हैं यूक्रेन, अभी साथ में चपेट में यूरोप भी आ जाएगी, कि बड़ा बुरा दिन होगा अगर नेटो ने बहादुरी दिखा के उकसावे में आके कह दिया आप तो इनको ले लेंगे, जल्दी सुलझ जाए वही यही कि नेटो में ना आए, तभी सुलझेगा नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा। सोडी साहब क्या मानते हैं आप, भी सहमत हैं क्या, क्योंकि आगे आने वाले दिन खराब हो सकते हैं, और तृतीय विश्व युद्ध की बात जो इस वक्त चल रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, कोई कहता है कि आगे आने वाली स्थिति ऐसी हो सकती है, कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब जिस तरीके से कह रहे हैं और जो भूषण दीवान साहब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि स्थितियां खराब हो सकती है, क्या आप मानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर कहीं ना कहीं रास्ता जा रहा है, ये हो सकता है ऐसा? जी स्थिति तो और खराब होती जा रही है, लेकिन मेरे अनुमान में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि रूस के पास 6255 न्यूक्लियर हथियार हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। रूस के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो देशों पे दाग के उनकी तबाही कर सकता है। हाँ ये मैं बात जरूर मानता हूं कि ये न्यूक्लियर हथियार न्यूक्लियर लड़ाई की तरफ ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब हमने दूसरे विश्व युद्ध में देखा जब जापान अमेरिका पे हावी हो रहा था तो अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब डाले जापान पे 6 और 9 अगस्त 1945 को, और कुछ दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने हथियार डाल दिए और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो ये भी हालात उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ना पुतिन पीछे हटने को तैयार है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, अमरीका ने यूक्रेन को बहुत अच्छी तरह एक मोहरा बनाया हुआ है और यूक्रेन की बर्बादी हो ही जा रही है, लेकिन तब भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई उसी वक्त खत्म होगी, या तो ये दोनों समझौता करें, और वो भी तब अगर अमेरिका चाहेगा तब होगा, अगर अमेरिका नहीं चाहेगा ये समझौता नहीं होगा, और ये युद्ध तभी खत्म होगा जो एक बहुत बड़ा हादसा होगा, चाहे रासायनिक हथियार इस्तेमाल होंगे, चाहे परमाणु हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन एक बड़े बहुत बड़े हादसे के बाद ये युद्ध खत्म होने की संभावना है।
बिल्कुल भूषण दीवान साहब, एक सवाल आपसे लेता हूं, क्योंकि अगर बाइडन साहब का मैं जिक्र करूं, अमेरिका का मैं जिक्र करूं, तमाम जो अमेरिका में मंत्री हैं या फिर खुद बाइडन साहब इस वक्त रशिया को ना कहकर सीधे चीन पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं चीन अगर रूस की मदद करेगा तो ठीक नहीं होगा, चीन को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये शिफ्ट चीन पर होता चला जा रहा है? चलिए आपने यूक्रेन को मोहरा बना लिया, रशिया को आप देख रहे हैं कि बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, अमेरिका चाहता है कि भैया आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दो और इस बहाने जो हो सकता है वो कर लो रशिया को, लेकिन जो चीन पर वो कटाक्ष कर रहा है, जो चीन को बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वाकई हम देखेंगे कि हाँ वो चीन पर भी पकड़ बनाना चाहता है, क्योंकि गर्दन तक रशिया के पहुंचना चाहता है, पहुंचा नहीं है, और वैसी स्थिति वो चीन के लिए भी करना चाहता है? देखिए वो मैं नहीं समझता हूं ऐसा कहने से, दम देने से चीन को चीन चुप बैठ जाएगा, ऐसे कुछ चुप बैठता नहीं है। वो कुछ भी कहते रहे, हम अभी रूस को कहते रहे आज आपने किया तो आपके बड़ी बुरे हजर होंगे, तो कहां रुकी चीज है इसमें? हल मुझे एक चीज नजर आ रही है, हर जी शायद ये आपका सवाल अभी का डायरेक्ट ना हो, जो 28, 29, 30 नेटो के यूरोपियन यूनियन के देश हैं जी, वो कमांड में आए और वो कहें हम मोदी साहब जाए हमके सुलह कराते हैं, दूर की बात हो सकती है, पर जो 30 देश खुद इफेक्टेड है, खुद तबाह हो जाएंगे, उनको बोलना चाहिए मिस्टर बाइडन आप वहां बैठे, हम देखते हैं, ज़ेलेंस्की को बोले बैठिए और हमारी मध्यस्थता से इसको रोके, और जब खुद ज़ेलेंस्की कह रहा है, आप देखिए रोज स्टेटमेंट, कभी कहता है नहीं ज्वाइन करूंगा, फिर कहता है करूंगा, इसी को मौका को लेके नेटो कमांडिंग पोजिशन में आके रुकवा सकता है। क्यों? सबसे बुरी असर नेटो यूरोप के ऊपर पड़ने, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर लोग डरे हुए बुरी तरह, दो देशों के बीच युद्ध जारी है, इस वक्त बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप है, यानी आरोप लगा दिया गया है, आरोप है कि 2500 यूक्रेनी बच्चों को रूस ने किडनैप कर लिया है। ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं डोनबास से रूसी सैनिकों ने अगवा किया है, ये दरअसल यूक्रेन का आरोप है, सभी बड़े देशों में रूस पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, सभी देश रूस पर कार्रवाई करें ये यूक्रेन चाहता है, सभी बड़े देशों को आगाह कर रहा है और कह रहा है कि आगे आने वाले समय में आप कार्रवाई करिए, और बच्चों को किडनैप किया गया, यानी 2500 बच्चों को किडनैप करके रूस ले जाया गया है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। सोडी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हम साइबर वॉर भी देख रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हम बैक टू बैक तो बातचीत कर ही रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सही हो सकती है या फिर मिस इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि जो मानव को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आम इंसान को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी उनका बयान आया कि अपने को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जो हो सकता है करिए, तो वाकई ऐसा हुआ होगा या मिस इंफॉर्मेशन का खेल भी एक साइड में हम देख रहे हैं? जी मैं आपका ये प्रश्न दो भागों में जवाब दूंगा। पहला भाग है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आजकल के युग का लड़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूक्रेन जीत रहा है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका, नाटो और वेस्टर्न देश सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां बेस्ड हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया है रूस के अगेंस्ट। और अगर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ही तरह बात करें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूक्रेन जीत रहा है, बिकॉज वो जगह जगह पे वीडियो दिखा रहा है, फोटो डाल रहा है, आर्टिकल छाप रहा है कि यूक्रेन के बच्चों को ब्रेड नहीं मिल रही, वहां पानी नहीं मिल रहा, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन अब मैं आपका प्रश्न दूसरे हिस्से में आंसर करना चाहूंगा कि देखिए कोई भी जो प्रोफेशनल आर्मी होती है उसको हमेशा सिखाया जाता है कि दूसरी प्रोफेशनल आर्मी से लड़ना, कभी सिविलियन से नहीं हम लड़ते हैं। मैं भारतीय सेना में अफसर रहा हूं, हमारी भी ट्रेनिंग हमेशा होती है एक प्रोफेशनल सेना से लड़ने की, कोई भी प्रोफेशनल सेना सिविलियंस को ढाल नहीं बनाती है। लेकिन ये रूस यूक्रेन के युद्ध में सारी फौजी सी को साइड में रख दिया गया है। जब 24 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन को कायदे से अपनी सेना अपने बॉर्डर पे तैनात करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि रूस का हमला होगा, लेकिन उन्होंने अपने बॉर्डर पे एक भी जवान ही तैनात किया, उन्होंने अपने शहरों के अंदर सिविलियंस रखे, अपने शहरों में सेना रखी, ताकि उन्होंने सिविलियंस को ढाल बनाया कि जब रूस की सेना हमारे शहरों में आएगी तो वहां पे सिविलियंस को देके उनकी गति स्लो होगी। दूसरी चीज, अभी ये रूस की सेना भी प्रोफेशनल सेना है, 2500 बच्चों को किडनैप करना, मेरे को तो ये खबर थोड़ी गलत लगती है, क्योंकि अगर ये चीज होती
अभी तक पूरे सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस आ जाते हैं, बच्चों के नाम आ जाते हैं, बच्चों के माँ बाप के नाम, बच्चों के स्कूल के नाम आ जाते हैं, लेकिन ये डिटेल में खबर कुछ नहीं है, सिर्फ एक आंकड़ा उन्होंने रिलीज कर दिया है मीडिया के लिए। भूषण दीवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से कह रहे हैं दो भागों में बांट दिया है सोडी साहब ने, वो बहुत अच्छे से समझाया है, क्या वाकई इन चीजों में रशिया पीछे रह गया है? क्योंकि रशिया के कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं, जब चैनल्स पर हमने देखा है कि रशिया का विरोध हुआ, उसके बाद तो सजा तक का ऐलान कर दिया गया, तो क्या रशिया इस बारे में थोड़ा सा पीछे रह गया कि जो इंफॉर्मेशन का खेल होता है वो यूक्रेन का अच्छा चला, क्योंकि यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है? मैं आज बिल्कुल ये सही बात है, आज की डेट में इंफॉर्मेशन वॉर से मतलब 71 वॉर के अंदर भी पाकिस्तानियों को बताने के लिए भाई आप गिर चुके हैं, सरेंडर कर दो, हालांकि फ्रंट होते भी सही और जिस न्याजी साहब के वहां पे बॉम्ब भी गिरा गया, अभी उनको पता लग गया, तो ये कम्युनिकेट करना, मैसेज देना, फौजी भी, सेना भी, डिसीजन मेकर भी, आम जनता भी, पब्लिक ओपिनियन भी, सबको इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्फॉर्मेशन वॉर में जो माहिर है वो आगे निकलेगा। जहां इंडिया ने हमको बहुत उसमें भी तरक्की करनी, आपने पहले कहा हम कितने सक्षम बने, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं एक बात और भी है, हम इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया को देखते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया का वर्चस्व अमेरिका नेटो के हाथ में है, बिल्कुल सही। तो हमें वो रूस की बात को हमको मिलती नहीं देखने को, वो रशियन लैंग्वेज में होगा, तो हम ये भी सोच के बैठे हो वो हार गया है, हम इंडिया में, अब हमारे पास तो और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति समझनी होगी। भूषण दीवान साहब, मैं माफी चाह रहा हूं, समय मेरे पास इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात जरूर होगी। सोडी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करेंगे और इस पर बातचीत होगी। फिलहाल जंग का अंत कब, ये सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दे के बाद में इतना ही, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार।